अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थोड़ा सा आज मैं बाहर निकला हुआ था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को आज बाहर से ही शूट करवाता हूँ, क्योंकि आज हमारे पास कोई काम करने को था नहीं। तो मैंने असल में ये वीडियो बनानी थी, कल बनानी थी, लेकिन कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आज मैं कुछ वीडियो को थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि कुछ मेरे वीडियोस को जो लोग लाइक करते हैं और जो डिसलाइक करते हैं, मुझे उनकी जो कहते हैं ना कि फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि उनको जवाब देना तो लाजमी पड़ता है। ठीक है, अब मैं कुछ बात करूँगा कुछ वीडियोस की। कुछ मैंने चैनल्स देखे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि भाई वो अगर आपको शाउटआउट नहीं देते हैं अली या फयाज, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही की है चारा ने, बिल्कुल मैं कहता हूँ करेक्ट बात की उन्होंने, लेकिन बात यह है भाई साहब जो भी इनके हक में ये बात कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं इनसे शाउटआउट लेने का, लेकिन जब आप वो शाउटआउट देते हैं शुरू में, जब खुद अपने चैनल में एक बात कर रहे हैं, तो भाई आप शाउटआउट के लिए ना फिर ये ड्रामेबाजी ना करें कि हम पैसे नहीं लेते। पैसे लेते तो बताएं आप पैसे लेते हैं, लेकिन ये आप बात ना मत करें कि आप पैसे नहीं लेते। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मैं आज कुछ वीडियोस में रियलिटीज़ बताऊंगा किसी के हवाले से कि चैनल्स के जो इस तरह प्रमोट जो आप लोगों को करते हैं कि जी हम आपके लिए चैनल बनाते हैं, आपको शॉर्ट आउट देंगे, आपके लिए जो चैनल बनाया हुआ है आप लोगों ने, वो तो देखें वो तो एक सबको पता है कि बच्चा नहीं है, ड्रामा बहुत अच्छा है आप लोगों का। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात मैं ये करूँगा कि फयाज़ के लिए, कि फयाज़ जब आप किसी के चैनल के लिए, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको दूसरे चैनल से भी ये बातें पता चल रही हैं कि जावेद के लिए आप उनको सपोर्ट करें, आप वो करने को तैयार नहीं हैं। ठीक है, तो फिर ये आप अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से आप मेरे बहन भाई सारे ठीक ठाक होंगे और सुआमीन सुमामीन जब बोलते हैं, तो ये ड्रामा मत करें आप, आप सही तरह करें। जब आपने हेल्प करनी है तो आपके गांव का एक नीडी पर्सन है, तो आप उसको शाउट आउट भी दें और उसको हेल्प भी करें। और अभी मैं आज इस चैनल पे एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, मैंने फयाज़ के लिए फयाज़ के नाम 20,000 रुपीज़ वेस्टर्न यूनियन कर दिए हैं, और अभी उसकी क्लिप भी आपको इस स्क्रीन शॉट के साथ ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा। जी, ये आपने देख लिया, मैंने वेस्टर्न यूनियन की रसीद जो है 20,000 रुपीज़ की फयाज़ भाई के नाम वेस्टर्न यूनियन कर दी है, और इसका कोड नंबर भी, जो भी फयाज़ भाई का या किसी के थ्रू मैसेज आएगा तो ये फयाज़ भाई जाके रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और इससे जावेद को मोबाइल आप लोगों ने लेके देना है, क्योंकि आप लोगों की ये विषय है कि आपके अलावा कोई ऊपर ना चढ़े ना कोई, ये आप फिर ये आप धोखा ना दें लोगों को, ये धोखेबाजी देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप फिर वो चारपाई मीटिंग, चारपाई कॉन्फ्रेंस, वो फिर आप लोगों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से शुरू हो जाती हैं, बड़े मासूम सा चूचा सा मुंह बना के आप आ जाते हैं कि जी हमने तो कुछ किया नहीं, तो भाई दुनिया पैसे लेती है शॉर्ट आउट के, तो आप भी शॉर्ट आउट के पैसे लो। आज मैं इस वीडियो में एक और चीज़ आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत से लोग आप ये समझते हैं कि आप लोगों को जानते नहीं हैं, मैं कुछ अभी क्लिप्स आपको दिखाऊँगा जिसमें आप देखेंगे के लोग आपको यहाँ पे जानते हैं, जिसमें बहुत से क्लिप्स मैंने काट दिए हैं, क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव उनके उन्होंने आपके बारे में कुछ बोला था, तो वो फिर मैं ही कुछ ख्याल कर गया, मैंने कहा यार कुछ नहीं। एक इसमें से इंडिया से एक लेडी हैं जो आपका चैनल देखती हैं, उन्होंने भी आपके मतलब क्या बोला, वो मैंने आपको भी रिकॉर्ड सुनाऊँगा। जी हेलो, जी एंडी बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? अरे कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। आज मैंने समझा कि आप, हाँ कल रात की आपकी कॉल आई थी लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी था, तो और सुनाएं कैसी हैं? अच्छा, मैंने थोड़ा सा सर्वे कर रहा था कुछ वीडियोस के लिए, आपको मैंने खाली एक लिंक भी भेजा था, तो आप उनको चैनल्स को वॉच कर रही हैं क्या? जब मेरा फ्री टाइम रहता है रात में तो मैं मतलब वो वॉच कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा ही कुछ मतलब डाल रहे हैं, मतलब अपने मतलब कंट्री के बारे में डाले ना, कि वही आसपास का क्यों डाल रहे हैं, एकदम कुछ अपने आप को फूल ही बना रहे हैं वो लोग। आप किन की बात कर रही हैं? ये मैं
अली और फयाज जो है ना, अली अली वीर और फयाज वीर क्या है वो, उनकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप वो अली फयाज की बात कर रही हैं। अच्छा, सॉरी, मैंने असल में कुछ और भी वीडियोस भेजी थी ना, तो मैंने कहा शायद आपने वो भी देखी होंगी। चले और सुनाएं, आप अभी कहाँ पे हैं, इंडिया के किस सिटी से बात कर रही हैं? नहीं, मैं तो अभी अपने घर में हूँ, बॉम्बे में। ठीक है, मैंने कहा चले ठीक है, असल में आपकी कल कॉल आ रही थी तो मैंने ज़रा बिजी था मैं थोड़ा सा, तो अभी बस मैं आज फ्री था तो मैं घर से निकला था। तो और सुनाएं आप, नहीं आप उनके लिए कुछ अगर पैगाम देना चाहती हैं इंडिया से? बस मैं ये कहना चाहती हूँ उनको कि थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट बनाए, एंटरटेनिंग करके बनाए ना, कि अपने मतलब पाकिस्तान में इतनी 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 अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल मतलब सिटीज है, वही अपने घर के आसपास का ही बता रहे, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है ना, ये हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे, तो इट्स बेटर कि आप कुछ अच्छे से अच्छा बनाए ताकि हम वॉच कर सके। जैसे कि तुम्हारी वीडियो मैं वॉच करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कनाडा के बारे में बताते हो, ये सब करते हो तो अच्छा लगता है देखने के लिए, और मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बताती हूँ, तो इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, तो तुम पहुँचा दो उनकी तरफ तो बेटर रहेगा। मैं असल में ना उनके लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था, लोगों के व्यूज ले रहा था ना, तो आज मुझे ऑफ था, तो असल में वो लोग काफ़ी फेमस है ना हमारे इधर भी, तो मैंने कहा कि कोई नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग ताकि उसमें हम लोग लोगों को ताकि उनको रियलिटी पता चले, वो समझते शायद हम लोग गलत बात कर रहे हैं ना हम लोगों को भी, तो चले ठीक है मैं आपसे ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टाइम हो रहा है सोने के लिए तो मैं बोला चलो तुमसे बात कर लेती हूँ, तो ओके थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर योरसेल्फ ओके जी, थैंक यू, बाय। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे वॉकिंग कस्टमर्स मुझे मिले हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी हैं भाई, सीधी बात है, आपको ये नहीं कि आपको दुनिया नहीं जानती, दुनिया जानती है लेकिन आपको किसी और सेंस में जानती है, ठीक है। अच्छा, आप जो कहते हैं हमें फॉरेन कंट्री से देखते हैं, तो भाई फॉरेन कंट्री से मैं आपको दिखाऊँगा कि लोग आपके बारे में क्या व्यूज़ लेते हैं, ठीक है जी। हेलो जी, आप अभी हम लोग यहाँ पे पार्क में घूम रहे हैं और पार्क से अभी निकले हैं और अभी एक और आ रहे हैं भाई, एक्सक्यूज मी सर, हाय, आई वांट टू गिव सम, एक्चुअली आई वांट टू शो यू सम फेसेस, डू यू रिकॉग्नाइज दिस फेसेस, जस्ट होल्ड ऑन, डू यू रिकॉग्नाइज दिस टू फेसेस, दिस टू, I think it is like Ali and Veer, and yeah, this one, yeah, Ali and Veer, I think these guys make some videos on YouTube, it's a Pakistani, yes, are you from India? Yes, I am from India. Oh, Calcutta. Nice to meet you. Yeah, thank so you. So just only we are making our videos and we are just taking make sure that you guys knows these people. Yeah, these guys are making stupid videos, man. I don't know why they are wasting their time and you know they have sending wrong messages. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Have a good day. Thanks. तो अभी देखा कि अभी आपने अभी चलते चलते हमने एक और बंदों के इंटरव्यूज लिए यहाँ पे, और जो अली और फयाज को भी जानते हैं। माशाल्लाह अली भाई, आपकी पॉपुलरिटी तो पता चल रही है पूरे वर्ल्ड में है, और इंशाल्लाह फिर मैं किसी और जगह भी जाते हैं तो वहाँ से आपको शॉट देते हैं। यस, हाय सर, हाउ इज गोइंग, यू वर्क हियर, ओके, डू यू रिकॉग्नाइज दीस टू गाइस? या, बट आई डोंट लाइक गेम। Who's this name? Guys? Who's this guys? BTS? Oh yeah. Them. But I don't like. Okay. No. Thank you. Yeah. I just want to know because I'm just walking at here. I just want to make sure that do you recognize these two guys? So that's why anyway. Thank you very much. Thank you. अब आप लोगों ने उस बंदों को चैनल्स बना के दिए हैं जिनको माशाल्लाह से यूट्यूब का यू नहीं बोलना आता, और वो फिर आप उसमें आप उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर आप जावेद को प्रमोट करें। अब मैंने आपको 20,000 rupees भिजवा चुका हूँ और ये चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। अब आप नहीं लेंगे इसका मतलब है फयाज आप फिर ये अपना इंट्रो में जो आप अपना झूठ बयानी बोलते हैं या आप गलत बयानी बोलते हैं तो वो ना दिया करो, ठीक है। मेरी वीडियो पे अगर आपको कमेंट नहीं देना या जवाब नहीं देना तो आप फिर इस तरह की झूठे लोगों के सामने वादे भी मत किया करो, ठीक है ना। हमें कोई शौक नहीं है आपको, अली की आप वीडियो कल आप देखें तो आप जितना पैसा कमाते हैं अभी तो
आपको ये शायद पता है कि मुझे भी अब कल पता चला कि YouTube शायद पाकिस्तान में क्लोज़ हो रहा है। YouTube पाकिस्तान में क्लोज़ हो या ना हो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मैं ये बता दूं कि आप लोग को अगर इतना पैसा आप कमा रहे हो माशाल्लाह से, आप गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी पे कर दिया करो ना। पता नहीं वो तो आप वो FBR का नोटिस शायद जाएगा तो पता चल जाएगा। बहरहाल उसके बारे में भी वर्कआउट हम कर रहे हैं कि ये जो आप लोग पैसा कमाते हैं कोई गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हो या सूखी पीकी काली पीली आप वेस्ट यूनियन से जाके बैंक से जाके पेमेंट उठा लेते हो, ठीक है। तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि प्याज एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने आपकी वीडियो में भी देखा, अली की भी वीडियो में कई बार देखा कि थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, 22 मई को, 22 मई डेट याद रखिएगा, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था, शायद आपको पता भी होगा शायद नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन उस 22 मई को PIA का एक प्लेन क्रैश हुआ था कराची में, और उस प्लेन क्रैश में बहुत बड़ा हादसा था, ब्रेकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए, पूरी वर्ल्ड में वो न्यूज़ गई थी। आपने अपने चैनल में 22 मई को छोड़ के 23 मई भी आपने देख लिया, एक आपने अफसोस का एक लफ्ज़ जो होता है ना आपने नहीं बोला। तो यहाँ से पता चलता है कि आप खुदगर्जी कितनी आपके अंदर है, आपके अंदर कितनी एक होती है ना ईगो आपके अंदर आ गई है कि आपने दुनिया में जहाँ ठटे खूह में जा रही है मरते मरते रहे, हम अपने चैनल पे सुबह दिखाना प्याज टमाटर कैसे काटते हैं वो आप दिखा दो, ठीक है। मुझे आप कुछ, आप अगर ये समझते हो कि मैं आपको आप मेरे बारे में वीडियोस बनाएंगे, आपके जो हेटर्स हैं, अच्छा आपके जो हेटर्स हैं आप वो वीडियोस बना रहे हैं, मैं आपको उनकी एक और चीज़ बताऊं, कुछ हेटर्स मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं कि भाई आप लोगों को अगर वो शाउट आउट नहीं देते तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम तो है ही नहीं किसी को, प्रॉब्लम तो यहाँ से आ रही है कि फिर आपने चैनल क्यों बनाया आपके लिए, या तो आप उसको रिमूव करो, नहीं करना, अगर शाउट आउट देना तो फिर देसी विलेज फूड से आप उनको शाउट आउट दो, ठीक है। ये आप दे नहीं सकते, बड़ा आपकी वहाँ पे ईगो जाग जाएगी, वहाँ पे आप फिर अपने आप को गर्दन में फन्ने खान समझोगे, तो भाई साहब आप थोड़ा सा अपने अंदर ना थोड़ी सी आजजी पैदा करो, अगर अल्लाह ने कोई आपका हाथ पकड़ा है तो उसको आप आगे लेके चलो। आप जब सुबह सुबह इंट्रो देते हो कि मेरे बहन भाई सब अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ये होगा वो होगा, तो ये बनावटी हमें इंट्रो नहीं चाहिए आपका। आप इंट्रो देना है जावेद को, अब हमने पैसे भिजवा दिए हैं, उसका कोड नंबर अगर उनको किसी को चाहिए तो मोहम्मद फियाज के नाम वेस्टर्न यूनियन के पेमेंट 20,000 रुपये हमने भिजवा दिए हैं, और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी को तो डेफिनेटली वो कॉन्टेक्ट कर सकता है इस वीडियो के कमेंट्स के साथ, ठीक है। और फियाज भाई अगर आपके पास ये मैसेज वीडियो तो जाती है, मुझे पता है आप देखते हैं, और ये आपने फिर उस वीडियो के थ्रू अगर आपके थ्रू से मैसेज आएगा कि हाँ मुझे इसका पिन नंबर दें, मैं उसको 20,000 रुपये का मोबाइल लेके दूंगा, तो फिर तो मैं आपको बिल्कुल सलूट करूंगा, आपको सपोर्ट भी करूंगा, कहूंगा यार फियाज भाई ने अपना हक अदा कर दिया, ठीक है। आप भले फ़ोन लेके ना दो, हम फ़ोन लेके देने को तैयार हैं, तो आपको वो फ़ोन लेके देना है और फिर उसके बाद उसको आगे चैनल भी बना के देना है और उसको हेल्प भी करनी है। अब आप ये कहना कि उसको तो जीमेल का नहीं पता, ये नहीं पता, तो फिर तो भाई असलम वीर और मनवर वीर को तो बड़ा अच्छी तरह पता है ईमेल और जीमेल का क्या मतलब है, ठीक है ना। आप उनको भी माशाल्लाह जितने आप उसको मेहनत करवा रहे हो या जिस तरह भी आप उनको एडिटिंग करवाते हो वीडियो की, तो वो वीडियो को फिर आगे आके लोगों को जो इस तरह के चैनल्स हैं उनमें फिर आपको बात उसको भी सिखानी है, ठीक है। मैंने अनवार अवान जो मेरे दोस्त हैं आप उनको जानते हो, वो भी अपनी वीडियोस में कह रहे हैं, मैं भी अब कह रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी तो ये 20,000 रुपये भी आपको चले गए हैं, अब आपको देखता हूँ कि आप कैसे आगे 20,000 रुपये, अगर आप नहीं लोगे ना पेमेंट वहाँ पड़ी रहेगी 30 डेज तक वेस्टर्न यूनियन के अकाउंट में, ठीक है, वो कहीं नहीं जाती और ना हमें कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। फिर ये पता चल जाएगा आपकी इस सारे हरकतों से कि आपके दिल में कितना बोझ है और कितना आपके अंदर दिल में आपका कमीनापन है, ठीक है फियाज। ये तो आपको मैसेज मिल गया मेरा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप जो मर्जी आप कर लो, जितना मर्जी अपनी अपनी उसको लगा लो, आप जो ये बोलते हो ना कि मेरे सस्पेंस होता है वीडियो के अंदर, ये होता है तो वो होता है, मैं उसका टाइटल ऐसा रखता हूँ वो तो आपकी टाइटल मुझे देख के वैसे ही मुझे उसमें से हंसी आ जाती है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, चलो आप अल्लाह ताला आपका वो कहते हैं ना कि ज़ेन ही अब ऐसा है तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन आप सॉरी मेरा फ़ोन आ रहा था। तो थोड़ी सी एक चीज़ होती है कि आप लोगों के अंदर थोड़ी सी एक ना वो जो खुदगर्जी वाला जो एलिमेंट है तो वो इंशाल्लाह हम ख़त्म कराएंगे आपको, ठीक है ना। और ये एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के अंदर ना, आप लोग जो ना आप शामी की वीडियो का रिप्लाई देते हो, ठीक है ना, मेरी वीडियो का रिप्लाई दोगे ना, आप किसी ऐसे बंदे की वीडियो का चैनल का आवाज़ दोगे कि जिसका कोई जो आपके ख़िलाफ़। अच्छा, मज़े की एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि आप फ़याज़ जब भी लोगों के कमेंट पढ़ते हो ना वीडियो में, आप तुझे देखा तो ये जाना सनम का सीन बना के वो आप जब फसलों के साथ बैठ के आप बड़े प्यारे तरीके से आप बोलते हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच करते हो। जो आप अपने हेटर्स हैं उनको भी पढ़ा करो, उनको क्यों नहीं पढ़ते। अब मैं आपको बताता हूँ, चलें मैं आपको सारी बातें छोड़ो, आप शॉर्ट आउट देते हो ना चाहे वो जिस बहन का भाई का आप चैनल का प्रमोट करते हो, मेरे चैनल का आप दो ज़रा शॉर्ट आउट। आप बहुत मुखलिस हो ना मेरे से, या बहुत आपको आप मुझे पता है मुझे ना आप शॉर्ट आउट दोगे ना आप मेरे से किसी तरीके से आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप जो कुछ कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि हमारी बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, जो मर्जी हो रहा है हमारा, चार पैसे आने चाहिए हमारे, चार पैसों के अलावा हमारे सांस में सांस कुछ आनी चाहिए तो हमारा चार पैसे, या तो आपने पैसे पहली दफ़ा देखे हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जिसके पास पैसे, जो अकलमंद बंदा होगा ना, पैसे जितने मर्जी कमा रहा है लेकिन वो बताएगा किसी को नहीं, सुन रहे हो ना। अब आप अली को भी देख लें, आप भी देख लें, आप पैसे दिखाते हो कि हमने आज इतने कमाए, यार आपको पता है हालात क्या वहाँ पे? क्या आपको ही पता है? खुदा ना खासा कोई ऐसे गलत बंदे आपकी वीडियो देख के हुए आज तो फियाज़ भाई के पास बहुत पैसे आए हुए हैं, चलो भाई आज फियाज़ भाई के घर ही चलते हैं, तो नुकसान आपका है। तो भाई साहब ये मत कीजिएगा, या तो आपने पैसे पहली दफ़ा देखें या आपको इतनी खुशी हजम नहीं हो रही, दो काम तो हो सकते हैं। क्योंकि आप जब लोगों को रास्ता अपने घर का दिखा रहे हो ना, तो ये अब समझ लेना कि ये अब नुकसान अपना कर सकते हो, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई ऐसे लोग, गलत लोग अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं और उनका मकसद कुछ और हो जाए, वो आपके घर भी पहुंच जाएं और आप फिर ये पैसे पूसे जो हैं फिर ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है आप थोड़ा सा इनको अगर ना ही शो करें तो बेहतर है, ठीक है। मुबशर भाई वगैरह आप उनकी एग्जाम्पलें तो माशाल्लाह ऐसे देते हो, तो वो कौन सी वीडियो में बताते हैं आज हमने इतने पैसे कमाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों से अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने तो आज कुछ ऐसे वीडियो में पैगाम नहीं देना था, लेकिन मेरी कुछ वीडियोज़ इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ रही हैं, वो एडिटिंग फॉर्म में गई हुई हैं, और इंशाल्लाह मैं उन वीडियो को दोबारा आप लोगों के सामने अपलोड करूँगा। और एक और चीज़ ये कि मेरी लास्ट जाते जाते बात यह है कि मैं जो भी वीडियो देता हूँ किसी चैनल को भी, किसी भी पाकिस्तान के चैनल को भी, तो ये ना समझे कि मेरा उस चैनल से कोई मफाद है या कोई फ़ायदा है, मैं हमेशा उस चैनल को सपोर्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है। चाहे वो मेरी वीडियो के थ्रू अपने टाइम वॉच कर रहा है या वो किसी के थ्रू कर रहा है, तो मुझे कोई उससे कोई लालच वगैरह नहीं है उससे, ठीक है। चले एनीवे मैंने बस यही मैसेज देना था, और इसके अलावा किसी को मेरा फ़ोन नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास स्क्रीन में आ रहा होगा, तो मुझे कोई भी बंदा अगर मैसेज करना चाहे तो मुझे वो मैसेज कर सकता है, ठीक है। और जो भी अगर कुछ और किसी को किसी से मेरे से कुछ पूछना है या मेरे से कोई राय लेनी है तो वो मुझसे ले सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरे चैनल्स पे जो वीडियोस हैं जो अपलोड हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ होने वाली हैं, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म के हवाले से हैं। वो बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने रिकॉर्ड की हैं जो आउट ऑफ कैनेडा, आउट ऑफ USA की मुतल्लिक हैं, और वो फिर आपको इंशाल्लाह चैनल पे मेरे मिलेंगी। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर योरसेल्फ। और जो मैंने बातें की अगर किसी को समझ आती हैं या किसी को अच्छी लगती हैं तो कमेंट ज़रूर बताइएगा। और किसी को अगर फियाज़ तक ये वीडियो पहुंचती है तो फियाज़ भाई आपको पता चल गया है कि अभी आपको मैसेज भी आ जाएगा, आपकी वेस्टर्न यूनियन की रसीद, उसका नाम आप अपना दे सकते हैं और मेरा नाम भी शो हो रहा होगा कि मैंने भेजें,
और वो जो कोड नंबर उसको हम थोड़ा सा हाइड कर देंगे, कोई और मोहम्मद फियाज ना हो वो आपकी जगह पैसे ले ले तो आप कहेंगे जी मैंने तो ये वगैरह, ये चीज़ें फिर गलत होती हैं। वो चीज़ें पर हम कोड रखेंगे, आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके अपना कोड नंबर हमसे ले सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे दें तो आपको डायरेक्ट पैसे आपके अकाउंट में या आपके पास आपको मिल जाएंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें ठीक है, मैंने आज आप लोगों को जो आप से आज मेरी बात हुई, इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक पे हम लोग करेंगे, अगर कोई अच्छी वीडियो हो उसकी तारीफ भी करेंगे, अगर कोई और फिर अगर कोई हमें इस तरह की कोई एक चीज़ नज़र आई किसी वीडियो में तो डेफिनेटली हम उसको फिर आगे उसको रोस्टिंग भी करेंगे और फिर उसको आपके सामने जो भी